बिलासपुर की जहां सांसदों के निलंबन पर तकरार बिलासपुर में भी जारी है। जहां देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है, वहीं बिलासपुर के नेहरू चौक पर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। तो सांसदों के निलंबन पर तकरार, देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन, नेहरू चौक बिलासपुर में प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई है। तो बड़ी खबर बिलासपुर से आपको बता रहे हैं, जहाँ सांसदों के निलंबन पर तकरार पूरे प्रदेश भर में। यहाँ पर आपको बता दें, कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिलासपुर के नेहरू चौक पर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। देश भर में कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है। तो ज्यादा जानकारी के लिए बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता संदीप करिहार। संदीप, बिलासपुर में भी अब निलंबन पर तकरार देखने को मिल रहा है। देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन है, वहीं बिलासपुर में क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, किस तरीके से लोग यानी कि कांग्रेस कार्यकर्ता अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर जो गत दिनों हुए इंडिया अलायंस की तस्वीर के विरोध पे देखिए, बिलासपुर में भी एक बड़ा जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग बिलासपुर शहर के नेहरू चौक पे मौजूद होकर के धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। बड़ी संख्या में एक विरोध है वो जता रहे हैं। और यहाँ पर देखें तो अलग अलग पार्टियों के भी लोग भी शामिल है। और यहाँ कांग्रेस ने एक बड़ी जो लोकतंत्र पर एक बड़ा सवाल उठाते हुए 143 सांसदों के निलंबन की जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर के सवाल खड़े किए। विधायक शैलेश पांडे जी हैं, उनसे सीधे तौर पर जानेंगे कि विधायक जी किस तरह का धरना प्रदर्शन है। ये धरना प्रदर्शन इस प्रकार के लिए है कि सबसे बड़ी बात है, देश के लिए चिंता का विषय है कि देश का सर्वोच्च बड़ा मंदिर, लोकतंत्र का मंदिर जिसे हम संसद कहते हैं, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो फिर देश में सुरक्षित क्या है, फिर देश में सुरक्षित क्या रह गया। देश भर में जिस प्रकार से पूरे सांसद लोग वहां पर आते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपने क्षेत्र की बात रखते हैं, क्षेत्र की मांग रखते हैं, शासन प्रशासन की जो नीतियां हैं उनको ध्यान देते हैं, उस वो लोकतंत्र का मंदिर जिसमें सभी सांसद, उसमें अगर इतनी बड़ी चूक हुई, घुसपैठी है, घुस गए, भगवान ना करे कोई घटना हो जाती तो उस दिन उसका जिम्मेदार कौन होता, मान लिया है तो मोदी सरकार ने इतनी बड़ी चूक हुई है, मोदी सरकार से इतनी बड़ी चूक हुई है जो आज तक देश के इतिहास में इतनी बड़ी चूक नहीं हुई है। और उसको लेकर अगर विपक्ष रहा था कि हमें डिस्कशन करना चाहिए, हमें बातचीत करनी चाहिए, हमें चर्चा करनी चाहिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ताकि ये घटना आगे ना हो, तो उसको लगातार दबाने का प्रयास किया जा रहा है, बोलने नहीं दिया जा रहा है, उस पर चर्चा ही नहीं की जा रही, लगातार तानाशाही रवैये से निलंबन निलंबन सांसदों का निलंबन हो रहा है। तो ये तो एक बहुत ही अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है, लोकतंत्र की हत्या जैसा है। मैं समझता हूँ कि इसको लेकर आज जो है गंभीरता से सभी देशवासियों ने लिया है। और आज हमारे कांग्रेस के सभी साथी और सभी राजनीतिक घटक जो आज डिस्कशन कर रहे हैं, इस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। इस पर चिंता करना चाहिए, लोकतंत्र का अपमान कथित तौर पर आरोप लगाया, इस पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन चर्चा न करके सांसदों का जो लगातार निलंबन कर रहा है उसका विरोध बिलासपुर में बड़ी संख्या में देखने को मिल रहा है। जी, बिलासपुर में भी बड़ी तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। अब सीधे रुख कर लेते हैं रायपुर का। रायपुर से भी इस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। तो आपको बता दें, कांग्रेस में सांसदों के निलंबन को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रायपुर में भी विरोध प्रदर्शन की प्रक्रिया शुरू है और अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, इससे पहले कुमारी शैलजा, दीपक बैज यहां पर पहुंच चुके थे, अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी प्रदर्शन में पहुंच चुके हैं। तो प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी इसमें शामिल हैं। और आपको ये भी बता दें कि सांसद में सदन के बाद अब सड़क पर ये लड़ाई आ गई है। सांसदों के निलंबन को लेकर ये लगातार लड़ाई की जा रही है और पूरे देश में आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है और सांसदों के निलंबन पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और आपको ये भी बता दें कि भूपेश बघेल भी इसमें शामिल हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि पूरे देश में आज प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है, सांसदों के निलंबन को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी कड़ी में आपको बता दें कि अब रायपुर में भी प्रदर्शन हो रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं।